हेलो प्यारे बच्चों, मैं सौरभ शर्मा करियर मंत्रा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे तो मुझे जानते होंगे और मेरी वीडियो ये जो मैंने बनाया है ये अपने क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है जिनका एग्ज़ाम है 7 मई को। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब आप लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बीच बीच में मन में आपके कुछ ख्याल आ रहा है या थोड़ा सा डिप्रेशन में हो जा रहे हो या पूरी तरीके से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो या कुछ भी आपको कमी लग रही है, आपका मोमेंटम कुछ ना कुछ बच्चों का ब्रेक जरूर हुआ है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि मोमेंटम ब्रेक मत करिएगा, लेकिन कुछ बच्चों का मोमेंटम ब्रेक हो गया है। जो आपकी तैयारी चल रही थी, लगभग हमने अपना सिलेबस ऑन टाइम खत्म किया, थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर रह गए थे उसको हमने फिर कवर किया जो भी है, उसके बाद लगे 20-20 मार्च तक हम लोगों ने खत्म कर दिया था। उसके बाद से आपकी टेस्ट सीरीज चालू है। मैंने आपको ये बोला था कि टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से दीजिए और आप लोग दे भी रहे थे, सब लोग बच्चे दे भी रहे थे, लेकिन बात ये हो रही ना बेटा कि अगर इस समय आप अपना मोमेंटम ब्रेक कर दोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इस समय सोचने लगोगे कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा या ऐसा है या वैसा है, तो फिर दिमाग में 10 तरह के ख्याल आएंगे और फिर बहुत मुश्किल है। अगर आप मन से ही हार जाओगे फिर कैसे जीतोगे ना? अगर आप में मन में ही पावर नहीं है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो आप सेलेक्ट होगे या नहीं सेलेक्ट होगे, ठीक है, तो फिर आप कैसे कर पाओगे ना? तो अभी तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम आगरे में करके ना, मतलब इस तरीके से मेहनत करके अपना जाएं और 7 मई का पेपर दे लें। अच्छा, पेपर देने के बाद जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो रहा है, जब तक पेपर की डेट है, व्हेन द बैटल इज इन आवर हैंड, तो बिना बैटल में लड़ाई किए बिना कैसे हार मान जाएं ना? तो हार तो नहीं माननी है ना, करके तो दिखाना है, कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, आप लोगों ने इतनी मेहनत भी की है, लगभग साल भर आप मेरे पास रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट लगाया, सवाल लगाए, 6-6 घंटे 8-8 घंटे हम लोग ने क्लास की। जनवरी में हम लोग ने, इतनी ज्यादा जाड़ा पड़ रहा था, ठंडी पड़ रही थी, फिर भी हम लोग समय पे आए, हम लोग ने क्लासेस की, आप लोगों ने अच्छा खासा इफर्ट किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने एफर्ट नहीं किया, आप लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया, लेकिन बेटा सारे एफर्ट बेकार है अगर रिजल्ट आपको ना मिले। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो सारे रिजल्ट बेकार है। अच्छा, अब इसमें इस वक्त ये सब सोचने का समय नहीं है कि आपको ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा जैसा तैसा कैसा भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आपको केवल अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है, केवल अपनी बुक्स पे कंसंट्रेट करना है। जो चीजें आपके कंट्रोल में है, व्हाट एवर इन योर हैंड, आपको उसी चीजों को कंट्रोल करना है जो आपके हैंड में नहीं है। जैसे बोला भी जाता है, ऐसा बहुत सारी सेइंग है, मतलब हर रिलीजन में सेइंग है कि कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। तो आप कर ही तो सकते हैं, अब रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा उसके बारे में आपको पता नहीं है, और क्या पता आज जो आप कर रहे हो उसका क्या फायदा आपको फ्यूचर में कहां पर मिले, ठीक है। अच्छा, इतनी लंबी बात हम सोचेंगे नहीं, हमारा 7 तारीख को पेपर है, हमारा पेपर कब है, 7 मई को, और हमको अपना एग्जाम देना है, और किस बेसिस पे देना है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं थ्रू आउट द ईयर्स, जो चीजें हमने की हैं उन्हीं चीजों को रिवाइज करके हमको एग्जाम में बैठना है और ट्रस्ट करना है अपने प्रोसेस के ऊपर, जो हमने साल भर पढ़ाई की। ये नहीं कि अब कहीं से कुछ मिल गया, शॉर्ट नोट्स मिल गया, अरे इससे पढ़ लो इससे आ जाएगा, इससे पढ़ लो इससे आ जाएगा, इससे पढ़ लो इससे आ जाएगा, ये सब नहीं करना है। लास्ट 10 डेज बचे हैं, जो चीजें जहां से जैसे आपने पढ़ी हैं सारी चीजों को कंसोलिडेट करने का समय आ चुका है। जो चीजें जहां से जैसी पढ़ी हैं सारी चीजों को कंसोलिडेट करने का समय आ चुका है। तो आप अच्छे से सारी चीजों को मिला के पढ़िए और एक एक चीज अपने दिमाग में रखिए और बर्डन मत रखिए कि मुझे पढ़ाई करना है। देखो बेटा, सबके जीवन में काम है ना, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं है। 7 मई को पेपर अगर नहीं दोगे तो आपकी जिंदगी फिर आसान हो जाएगी, काम तो तब भी करना पड़ेगा, वक्त तो तब भी करना पड़ेगा, नीट नहीं किया है तो कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ तो कभी इजी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमेशा करना पड़ेगा। अब ये है कि आप सोच रहे हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम कुछ और करेंगे, या कुछ दिमाग में, ये सब चीजें नहीं दिमाग में लानी है। जो है आपको अपना 100% इनपुट अपने एग्जाम में देना है, और एग्जाम में देने के बाद रिजल्ट क्या होता है उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे, जैसा भी होगा हम अपने हिसाब से चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जब तक हमारा एग्जाम है, एग्जाम की डेट है, चीजें हमारे हाथ में है, तो हम अपने आप को क्यों निराश और हताश कर रहे हैं ना? ये चीजें नहीं करनी है बच्चों। देखो, करके जाओ, जंग में भले शहीद हो जाओ, लेकिन जंग लड़ना तो है ना, लड़ना है और अच्छे से लड़ना है। तो मैंने आपको यही बताया कि सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए, क्या करिए, सारे कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कर लीजिए। सुबह उठिए, आराम से नहाइए धोइए, बैठिए टेबल के ऊपर, आराम से
और उसके बाद रिवाइज करने लगे, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दीजिए। जो चीजें आपसे हो रही हैं उन चीजों को करो। कुछ बच्चे होते हैं एक दो चीजों में फंस गए, बस पूरा फंस गए, कहेंगे अब हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, जो चीजें हो रही हैं उसको करो, जो चीजें नहीं हो रही, मान लो एक दो चीजें नहीं हो रही उसको छोड़ दो, लेकिन जो चीजें हो रही है कम से कम उसको तो रिवाइज करो। तो रिवाइज आपको करना है क्या, पूरा कॉन्सेप्ट को सारे को रिवाइज करना है। अच्छा, रिवाइज करने के बाद क्या है कि आपको, आप मैंने आपसे हर बार बोला था कि जैसे सवाल करते चलिए तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको मिलती हैं। मैंने बोला था कि चैप्टर के लास्ट में उसको लिख लिया करिए, वो शायद कुछ बच्चों ने लिखा भी होगा। तो उन ट्रिक्स को रिवाइज करने का समय आ चुका है, उन ट्रिक्स को रिवाइज करिए आप। उसके बाद ये नहीं कि मोमेंटम अपना ब्रेक कर दिया। अभी बहुत बच्चे थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी इतने हम लोग ने लगभग 10-12 टेस्ट दिए, सब में अच्छा परफॉर्मेंस चला, अब उनका मोमेंटम ब्रेक हो गया, क्योंकि वो जो आपने फेस्टिवल मना लिया ना एक दो दिन का, बस वो आपका दिमाग जो है इजी इजी वे में चला गया। हाँ चलो जिंदगी ऐसी है, मजे काटते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अरे करेंगे, ठीक है बेटा, 7 मई के बाद भी करेंगे ना, ऐसे जिंदगी खत्म तो हो नहीं रही 7 मई के बाद ना, उसके बाद समय मिलेगा, हम लोग हम और आप मिलकर एंजॉय करेंगे, ठीक है, तो वो चीज करेंगे। लेकिन अभी तो समय आपका पढ़ाई करने का है ना, तो उस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ाई को एकदम स्ट्रेसफुल लेके नहीं चलो। फिर मैंने आपको बार बार बोला कि अपनी एनर्जी को अपनी स्टडी पे लगाइए, सारी एनर्जी को फोकस कर दीजिए, बिल्कुल भी एनर्जी इधर उधर बटे नहीं। अब क्या कर रहे आप लोग, साल भर से तो पढ़ रहे थे बेटा, हुआ कि आप लोगों साथ में बताता हूँ कि साल भर से तो आप लोग पढ़ रहे थे, और साल भर से पढ़ रहे थे, रेगुलर क्लासेस चल रही थी, शुरुआत में क्लासेस 4.5 घंटे की चली, फिर 6 घंटे की चली, फिर कुछ कुछ क्लासेस 8-8 घंटे की भी चली। आप लोग जाते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सो जाते थे, जाते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सो जाते थे, यही आपकी दिनचर्या चल रही थी, ठीक है। जो समय थोड़ा बहुत मिलता था पढ़ाई करते थे, बाकी समय तो 7-8 घंटा यहीं पे चला जाता था। उसके बाद आप घर पे जाते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा अपना, फिर कोचिंग चले आए, ठीक है। अब पिछले 1-1.5 महीने से क्या हो गया, आपकी बॉडी हो गई रिलैक्स, ठीक है, आपके पास हो गया समय ज्यादा, लेकिन वो जो समय मिला है आपके रिवीजन के लिए मिला है, जो हमने इतना आपको साल भर पढ़ाया है उस चीज को साथ को कंसोलिडेट करने का समय मिला। ये समय नहीं मिला कि आप बस खा पी के सो जाइए, इस चीज के लिए समय नहीं मिला है। ये समय हमने तभी, हम लोग चाहते तो पढ़ाते रहते आपको, अप्रैल भर पढ़ाते रहते, ठीक है, पढ़ा भी सकते थे, हम ही रिविजन करा ले सकते, लेकिन हमारे रिविजन कराने से आपका फायदा नहीं होगा। हमारे रिविजन, ये महा रिविजन, महामंथन और महा जो भी महा मैराथन चल रहा है, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये यूट्यूब पर जो कहानियां चल रही हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको अपना रिवीजन स्वतः ही करना है, क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो माइंड है, उसकी रिकॉलिंग पावर है, और आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे किसी के दूसरे के रिवीजन से, आप में आपके दिमाग में बातें नहीं आएंगी। तो आप अपनी कॉपी, ये जो कॉपी है ना, नोट्स है ना, इनको 2 बार 3 बार 4 बार कुछ समझ बेटा, ऐसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद पूरी कॉपी रिवाइज हो गई, उसके बाद फिर उसके सारे पन्ने पलट लो, फिर पढ़ डाला, फिर पन्ने पलट लिया, जितनी बार पन्ने पलटोगे ना, वो फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे, वो कहीं और से रिविजन करने से स्टोर नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी मेमोरी पे ध्यान देना है, और सेम सोर्स से पढ़िए, 10 किताब पढ़ने की बजाय 1 किताब को 10 बार पढ़िए, ये कहानी होती है। 1 किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताबें मत पढ़िए, 1 कॉपी को 10 बार पढ़िए, 10 कॉपियों से मत पढ़िए, 1 कॉपी को 10 बार पढ़िए। जो कॉन्सेप्ट जहां से बनाया है उसी जगह से पढ़िए, और नया कॉन्सेप्ट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, जो बन गया है उसी को करिए। मान लो 1-2 टॉपिक छूटा हुआ छोड़ दीजिए, ठीक है, जो है कम से कम वो तो 100% दे हम लोग। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा, बेटा जिंदगी थोड़ा ना खत्म हो जाएगी, जिंदगी तो चलेगी ना भाई, एग्जाम है या एग्जाम नहीं है, भाई पास हो गए या फेल हो गए, दूसरे और तो कुछ नहीं हो सकता ना, पास हो गए या फेल हो गए, तो जिंदगी इस पर डिपेंड नहीं करती है। जो होगा वो देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे बेटा, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, उस पर परेशान नहीं होना। आपने देखो, नीट का पेपर दे के आओ, और मैं चाहता हूं कि सब बच्चे कम से कम ये कहें कि हाँ सर मेरा एफर्ट पूरा था, मेरा मैंने अपना 100% दिया, कि अब हुआ या नहीं हुआ ये भगवान के हाथ में है, ठीक है, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। और मैं आपको बताता हूं, आप में से 90% लोग जब एग्जाम दे के बाहर निकलेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने अपना 100% नहीं दिया। आपको सवाल देखते हुए ऐसे लगेंगे कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा नहीं, रिवीजन आपने ढंग से किया नहीं, प्रैक्टिस आपने ढंग से की नहीं। तो कम से कम ये तो कहने को ना रहे कि हाँ हमने पूरा 100% नहीं दिया। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाइए, और मैं जानता हूँ बच्चों तुम लोग करोगे, ऐसी बात नहीं है,
तुम लोग करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये देखो कि अच्छा ये नहीं है, कभी कभी हम लोग मोनोटोनस से हो जाते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, बहुत ज्यादा बोर हो गए, रिलैक्सेशन भी नहीं मिला। अच्छा बीच में आप लोग को 1-2 दिन ब्रेक ले लेना चाहिए, लिया भी आप लोगों ने, लेकिन जिसने लिया उसका मोमेंटम भी ब्रेक हो गया ना, ऐसा हुआ है ना कि जिसने लिया उसने मोमेंटम उसका ब्रेक हो गया, तो मोमेंटम ब्रेक हो गया फिर उसका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, फिर उसका पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मोमेंटम मत ब्रेक करो, 7 मई तक ही है ना, 8-7 तारीख की शाम को आराम से आप एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद पूरा टाइम बचा है आपके पास एंजॉय करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी यही करना है आपको, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, पूरी जिंदगी तो ये नहीं करना है। तो अगर 7 तारीख तक है और ये चीज है तो उसको एंजॉय करते हुए करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से जाओ, और जैसे यहाँ पे आके एग्जाम देते हो वैसे एग्जाम के दिन भी चले जाना, मैंने आपसे बोला टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 12 टेस्ट हो चुके हैं, 3 टेस्ट और बाकी हैं बेटा हमारे इंस्टीट्यूट में, 12 टेस्ट हो चुके हैं, जो मैं आपका फुल लेंथ वाला करा रहा था, एक आपका टॉपिक वाइज बचा हुआ है, देन आपका 2 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। अब फुल सिलेबस टेस्ट है, फुल लेंथ तो हो ही रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट है, आप फुल सिलेबस टेस्ट देने आइए, और जिस तरीके से आप यहाँ पर हमारे करियर मंत्रा में आपके टेस्ट देने हैं उसी तरीके से आप उसी सोच के साथ अपना एग्जाम में भी चले जाइएगा, और बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गए, बिल्कुल कि हाँ चलो एग्जाम है, एग्जाम देने जाना है, जैसे यहाँ पे टेस्ट सीरीज देने आते हैं वैसे वहां पे टेस्ट सीरीज देने चले गए, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके नहीं जाना है, क्योंकि जहां स्ट्रेस लिया वहां आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा 100 बात की एक बात कि एग्जाम है, एग्जाम में पढ़ना है, अच्छे से करना है, रिवाइज कर लीजिए सारे कॉन्सेप्ट, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, जो छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद जो सवाल आपने लगाए हैं सवालों में भी कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आए होंगे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और बैठ जाइए, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लिया, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ लिया। अच्छा कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि जैसे उनको केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे लगे वही केमिस्ट्री पढ़ने लगे, या बायोलॉजी ज्यादा अच्छा, बायोलॉजी सबको अच्छी लगती है ना, बायोलॉजी ज्यादा अच्छी वही पढ़ने लगे, फिजिक्स तो छोड़ ही दिया, लेकिन फिजिक्स का सवाल आ गया इजी, मैंने आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया, तो एटलीस्ट जो बेसिक लास्ट में मान लो 4 सवाल एडवांस लेवल के उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो तो कर डालिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं वो तो कर डालिए, क्योंकि बहुत बार क्या है कि नीट के बच्चों में देखो फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते हैं, फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी पूछते हैं, तो वो सवाल आपसे हो जाएंगे अगर आप कहोगे ना, अगर करोगे तो वो सवाल आपसे हो जाएंगे, और पढ़ा मैंने रखा है, पढ़ा मैंने सब कुछ रखा है, आप एक एक सवाल आपको नोट से मिल जाएगा, आप एग्जाम देके आइएगा और मैं बहुत सारे सवाल आपको 90% सवाल दिखा दूंगा कि आपके नोट से मिलते जुलते आगे पीछे से ही सवाल आए हुए हैं। अच्छा ये आपको खुद महसूस होगा, मेरे कहने की बात नहीं है, जिस दिन आप एग्जाम दोगे आपको खुद ये सब बातें महसूस होंगी, ठीक है। तो महसूस हो रही है, इसका मतलब क्या है बेटा, रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, एग्जाम के दिन अच्छे से प्रेजेंट करना है, और मैं बिल्कुल भी किसी भी बच्चे की बात सही है ना सुनूं कि तुम घूम रहे हो, तुम मौज में हो, और तुम इधर उधर सो रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, बेटा ये समय डिप्रेशन होने का नहीं है, और डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं है, दुनिया में सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, हर एक इंसान, चाहे भगवान हो चाहे देवता हो चाहे इंसान हो, कोई भी, भगवान श्री राम राजा बनने जा रहे थे, वनवास हो गया ना, राजा बनने जा रहे थे और क्या हो गया, 14 साल का वनवास हो गया, बेटा स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में भी था, स्ट्रगल हर एक इंसान की लाइफ में, और किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी की लाइफ तुम उठा के देख लो, स्ट्रगल सबकी लाइफ में, इलॉन मस्क जो सबसे बड़ा अमीर आदमी है इस दुनिया का, ठीक है, एक पहले दूसरे नंबर पे, उसकी सारी कंपनी फेल हो गई थी फिर भी उसने स्ट्रगल किया, सबको दोबारा से खड़ा किया, ठीक है, हर एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता ही है। विराट कोहली को तुम देख लो, MS धोनी को देख लो, 25 साल की उम्र में मतलब समझ लीजिए कि डिब्यूट किया उन्होंने, या विराट कोहली को देख लो, 12th में फेल हो गए थे फिर भी उन्होंने अपना किया, इतना साल बेकार रहा फिर उसने रिटर्न बैक किया, ठीक है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बिना बिना वैसे होता है ना, सोना है, सोना भी तपके ही खरा बनता है ना, सोने को अगर गर्म करोगे तपाओगे तभी वो क्या होगा, अपना असली रंग निखारे। तो देखो बेटा स्ट्रगल से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, स्ट्रगल है तो हम हैं, अगर देखो आराम मिल जाए ना जिंदगी में, आराम मिल जाए, बढ़िया AC लगा हुआ है, TV चल रही है, आराम से सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो मैं एक बात और कह दूं कि जैसे बनना है तो जंगल का शेर बनो, ठीक है, सर्कस का शेर नहीं बनना है, शेर तो सर्कस का शेर भी है, लेकिन सर्कस का शेर एक इशारे पे नाचता है, सर्कस का शेर इशारे पे नाचता है, लेकिन देखो सर्कस के शेर की जिंदगी बड़ी आसान है, उसको 2-3 टाइम आराम से खाना मिल जाता है, उसको शिकार नहीं करना पड़ता, कहीं शिकार करने जाना है उसको तो खाना मिल जा रहा है, ठीक
ठीक है, आराम से खाना मिल जा रहा है, पानी मिल जा रहा है, आराम की जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जंगल का शेर जब सुबह उठता है तो उसको अपने खाने के लिए दौड़ना है, और उसी जंगल में एक हिरन भी है, ठीक है, तो हिरन को मान लो खा रहा है, तो शेर जो है वो अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ता है, और हिरन जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। तो दौड़ना तो देखो दोनों को पड़ेगा, हिरन को भी दौड़ना पड़ेगा और शेर को भी दौड़ना पड़ेगा। तो देखो और स्ट्रगल करोगे तो ही तुम निखरोगे, अगर स्ट्रगल नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर कोई निखार नहीं आने वाला है। तो मेरी ये बात मान लीजिए कि स्ट्रगल तो लाइफ में है, चाहे आज है चाहे कल है, ठीक है, हमेशा लाइफ में स्ट्रगल लगा रहेगा। तो जब स्ट्रगल है लाइफ में तो क्यों ना एंजॉय करके स्ट्रगल किया जाए ना, क्यों ना एंजॉय करके किया जाए, उसका मजा लिया जाए, स्ट्रगल का मजा लिया जाए। ये बहुत छोटा एग्जाम है बेटा, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, लाइफ इज वेरी बिग। पता नहीं आप लोग क्या करें, अभी आपको खुद नहीं पता, आप लोग यहाँ पे बैठे थे मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ जाने वाले हैं। हो सकता है कोई प्रधानमंत्री भी बन जाओ इसमें से, ठीक है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओ, कोई हो सकता है मतलब किसी और फील्ड में सक्सेसफुल हो जाए, कोई बच्चा हो सकता है बहुत बड़ा डॉक्टर भी बन जाए, कोई कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए, कोई ऑर्थो सर्जन बन जाए, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। हो सकता है डॉक्टरी की लाइन में ना भी जाओ, किसी और फील्ड में आप बहुत बड़े सोशल सर्वेंट भी बन जाओ आप, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो बेटा। लेकिन एक बात है कि सोते सोते तो कुछ नहीं मिलेगा, सोते सोते कुछ नहीं मिलेगा, आराम की जिंदगी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आराम की जिंदगी करने से कुछ मिलता ही नहीं है, स्ट्रगल करोगे तभी कुछ मिलेगा। तो ये जानिए कि आपको 7 मई को पेपर है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए और कुछ करके दिखाइए बेटा, मोमेंटम ब्रेक मत करिए। सक्सेसफुल लोगों के साथ ही दुनिया खड़ी है, अनसक्सेसफुल वालों का कोई भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बहुत समय आप लोगों का ले लिया मैंने, ठीक है, लेकिन अब पढ़ तो ऐसे नहीं रहते तुम लोग, तो मैंने सोचा थोड़ा कुछ बता दूं तुम लोग को, बता तो चुका हूं एक बार और, लेकिन अब शक्ल देखते देखते बोर भी हो गए हुए मेरी, तो ज्यादा मत परेशान हो, ठीक है। बस ये है कि एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, और मेरा यही मानना है कि कुछ करो ना करो, लेकिन ये है कि अपना 100% अटेम्प्ट जरूर दो। अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं बेटा तो फिर बेकार है, तो फिर परेशान होना भी बेकार है। हमने प्रयास ही नहीं किया तो हम सफल हुए असफल हुए फिर वो तो बेकार है ना, प्रयास किया नहीं सफल होंगे भाई। अगर प्रयास करेंगे तो दो ऑप्शन है, सफल होंगे या असफल होंगे, लेकिन प्रयास ही नहीं किया तब तो 100% है कि हम फेल ही होंगे। जब प्रयास ही नहीं किया तो 100% क्या है, फेल ही होंगे। लेकिन प्रयास किया तो देर इज अ चांस, चाहे 1% भी चांस हो, लेकिन चांस तो है पास होने का। तो कोई भी बच्चा है जिसकी कम तैयारी है या किसी की ज्यादा तैयारी है, जो भी है, आपको अपना प्रयास को अपने हिसाब से 100% लेके जाना है और कुछ करके दिखाना है। 7 मई को पेपर देने के बाद हम लोग एक बार दोबारा क्लासरूम में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, और जो भी जिसकी चर्चा होगी, करियर काउंसलिंग होगी, वो मैं आगे का आप लोग को मार्ग बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, और आप लोग अच्छे से करिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।